हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। तो जैसा कि हर कोई जानता है कि कल हनुमान जयंती है, यानी कि हनुमान जी का जन्मोत्सव है। तो दोस्तों, मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगा कि आप अपनी राशि अनुसार वो क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि इस दिन आप हनुमान जी की अगर सच्चे मन से पूजा करेंगे तो आपको उसका विशेष फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बजरंगबली इस दिन अपने भक्तों की जरूर जरूर सुनते हैं, बस हमें सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करनी है बस। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको राशि अनुसार आपको उपाय बताऊं, इससे पहले मैं आपको एक उपाय बताऊंगा जो इस दिन सबको करना है। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय आप जरूर जरूर कीजिए। दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, आपको इस दिन चमेली के तेल का एक दीपक जलाना है हनुमान जी के सामने, और उनमें थोड़ा सा सिंदूर मिला दें। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सिंदूर मिला के भी हनुमान जी को अर्पित करना है, इतना काम करना है। और अगर आप इस दिन हनुमान जी को चोला अगर चढ़ा सकते हैं तो बहुत ही अच्छे बात है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इस दिन आप ये काम करें तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, राशि अनुसार आप क्या कर सकते हैं, आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं मेष राशि की। दोस्तों, मेष राशि के स्वामी हैं मंगलदेव, तो आपको मंगल ग्रह से संबंधित केसरी सिंदूर हनुमान जी को अर्पित करना है, ये मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं वृषभ राशि की। तो दोस्तों, वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव, तो दोस्तों आपको हनुमान जयंती पर नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इससे आप पर बजरंगबली का हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों, मिथुन राशि, बुधदेव को इस राशि का स्वामी माना गया है, इसलिए हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली की सच्चे मन से आराधना करें और उन्हें बूंदी का प्रसाद अर्पित करें, ऐसा करने से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, जिनका संबंध भगवान शिव से बताया गया है। तो दोस्तों, आपको हनुमान जी को लाल चोला अर्पित करना है, आप पर हमेशा हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों, वहीं बात करते हैं सिंह राशि की। तो दोस्तों, सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव, तो दोस्तों आपको इस दिन गरीबों को भोजन खिलाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जी हाँ दोस्तों, सिंह राशि वालों की। और दोस्तों, वहीं बात करते हैं कन्या राशि की। तो दोस्तों, कन्या राशि के स्वामी हैं बुध, तो दोस्तों आपको 108 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा कन्या राशि वालों को। जी हाँ दोस्तों, तुला राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव, अगर आप शुभ परिणाम चाहते हैं तुला राशि वाले रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करें, इससे तुला राशि वालों की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि मंगलदेव इस राशि के स्वामी होते हैं, आपको ओम श्री हनुमते नमः का मंत्र का 108 बार जाप करना होगा, इससे आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। वहीं धनुराशि, धनुराशि के स्वामी गुरु बृहस्पति होते हैं, तो दोस्तों आपको इस दिन श्री सीताराम के नाम की 5 माला जपनी है, किसी भी मंदिर में श्री रामचरितमानस का दान करें, इससे आपको हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, मकर राशि, हनुमान जी को शनिदेव के गुरु की उपाधि प्राप्त है और शनिदेव इस राशि के स्वामी भी होते हैं, इसलिए आपको हनुमान जयंती पर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है। जी हाँ, और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इससे आपको बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के स्वामी हैं शनिदेव, तो दोस्तों आपको सच्चे मन से राम नाम की माला हनुमान जी को पहनाकर उनकी अर्चना करनी है, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। दोस्तों, वहीं लास्ट बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ इतना काम करना, बजरंग बली को आपको चोला चढ़ाकर ओम श्री हनुमते नमः की एक माला जाप करनी है, इससे आपको बहुत ही विशेष फायदा मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, यही थी आज की जानकारी। तो ठीक है दोस्तों, जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना, वीडियो बताना, लाइक करना, चैनल आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।